आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, और साथ के साथ बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेट जो कि इस बार थोड़ा जल्दी हमको देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अगस्त मंथ स्टार्ट हो चुका है और स्टार्टिंग जो बिटकॉइन ने दी है अगस्त मंथ की, वो यहाँ पे डंप के साथ दी है। ज़्यादा कोई बड़ा डंप नहीं है, पहले दिन डंप ज़रूर दिखाया, $28,800 का बैरियर तोड़ दिया, $28,700 पे बिटकॉइन का लेवल, न्यू लो लेवल जो है काफ़ी टाइम के बाद हमको देखने को मिला। तो अगस्त की स्टार्टिंग डंप से हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा महीना डंप में जाने वाला है, ठीक है। अभी पूरा महीना है, यहाँ पे देखेंगे क्या हाल रहेगा, कैसी वीकली क्लोजिंग्स मिलेंगी, कैसी सिचुएशन रहेगी बिटकॉइन की, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो इस बार जो इम्पोर्टेंट डेट आ रही है, वो सबसे ज़्यादा और जल्दी आ रही है, वो इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पे CPI डेटा की। जी हाँ, CPI डेटा हर महीने आएगा, FOMC भी आपको हर महीने, मोस्टली एक दो महीने में मीटिंग होती है, ठीक है। तो ये डेट्स आपको कभी, मतलब क्रिप्टो मार्केट का पीछा कभी छोड़ने वाली नहीं है। बहुत सारे कॉइन्स, पूरा क्रिप्टो इम्पैक्ट होता है इस CPI डेटा से और FOMC से। तो आज यही सिचुएशन आप देख रहे हो, मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है अगस्त के पहले दिन, ठीक है। 10 अगस्त की डेट आप नोट कर लो, क्योंकि ऑल अगर हम देखें 12, 13, 14 के अराउंड ही CPI डेटा आता है हर महीने का, लेकिन इस बार जो है 10 अगस्त को आने वाला है, यानी ज़्यादा दिन नहीं है, 8 से 9 दिन है यहाँ पे, ठीक है। और क्या आएगा CPI डेटा, 3% पिछले मंथ आया था, क्या 2% हिट कर पाएगा इस बार, क्या इस बार और लो लेवल आएगा, क्योंकि फेड का जो टारगेट है CPI को लेके वो भी 2% का है, और अगर 2% हिट होता है तो सिचुएशन अच्छी हो सकती है फॉर बिटकॉइन, है ना। तो बिटकॉइन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे इस ये मंथ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट मंथ है। आपने देखा बहुत सारे कॉइन्स अच्छे खासे क्रैश हुए हैं, FXS की बात करूं, क्रैश के साथ रिकवरी भी देखने को मिली है। आप यूँ समझ लो एक गेम अच्छा खासा लिक्विडेशन, CRV की बात करें जो जिसपे एक तरह से डाका डाला गया था $100 मिलियन का, उसमें भी अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिली, ठीक है। तो मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि डिप है, डिप का मौका मिस मत कीजिएगा, और इस डंप से घबराइएगा, मे बी इस मंथ बिटकॉइन 26,000-25,000 तक के लेवल फिर से हमको दिखा दे, जो हम 24,800 से उठ के आए हैं जून मंथ के अंदर, वो लेवल फिर से दिख सकते हैं इस मंथ के अंदर, है ना। तो अगर दिखते हैं तो फिर मौका मिलेगा डिप का, और डिप का मौका मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट बार बार डिप देता नहीं है, डिप दिखाता नहीं है, और एंट्री का मौका सिर्फ डिप में ही बनता है, डिस्काउंट में ही बनता है। जब मार्केट डिस्काउंट पे हो आप एंट्री तभी बना सकते हो, जब मार्केट पंप कर रहा हो, बिटकॉइन 30-31 पे अगर चल भी रहा था तो वो कोई एंट्री का टाइम नहीं था, ठीक है। तो ज़रूरी होता है एक सही प्राइस पे एंट्री बनाना, ताकि आप भी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाओ, क्योंकि डिप कहते हैं ना, बाय द डिप, और वो बहुत ज़रूरी होता है। जितना आप लो लेवल पे खरीदोगे और जब भी उसका प्राइस बढ़ेगा, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपको बस होल्ड करना है। जब भी उसका प्राइस जैसे ही बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, बस आपका काम हो गया, आपने डिप में लेके खरीद लिया, आपका काम ख़त्म, ठीक है। तो डिप का मौका मिस मत कीजिएगा, रिसर्च कीजिए, और जिस कॉइन में आप एंट्री बनाना चाहते हैं आप एंट्री बना सकते हैं। तो आगे जो अपडेट रहेंगी मार्केट की सिचुएशन को लेके, अभी पहला दिन है तो कुछ कह नहीं सकते कि पहले दिन अगर डंप आया तो पूरी यहाँ पे आगे भी कुछ दिन डंप चलता रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, और CPI डेटा भी आने वाला है 8 से 9 दिन के अंदर। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।